इसलिए आखिरी दौर का इस वक्त चुनाव प्रचार चल रहा है और अमित शाह इस वक्त आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के रानीगंज में है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे होगा, बंगाल में 10 सीटें पर चुनाव हो चुका है, देश भर में 285 सीटों पर चुनाव हो चुका है, तो क्या आकलन है, कितनी सीटें आ सकती है? देखिए, हम 400 पार करेंगे और बंगाल में हम 30 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिली है, वो कह रहे हैं सारे देश आपने में आपने ऑर्डर पढ़ा है, ये जमानत नहीं है, टेम्पररी बेर है, 1 तारीख को फिर से सरेंडर होना है। कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? वो कह रहे हैं सारे देश में चुनाव हम प्रचार करेंगे, ऐसा कोई प्रभाव पड़ नहीं, तो वो कर ही सकते हैं, इसमें क्या है, बहुत सारे लोग प्रचार करें वो भी करें, और जब जब प्रचार करने जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा। बंगाल में संदेशखाली का मुद्दा काफी अहम रहा है, बंगाल में संदेशखाली का मुद्दा, आपको क्या लगता है बंगाल में जो संदेशखाली का मुद्दा उठा है वो पूरे बंगाल में प्रभाव डालेगा? निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए धर्म के आधार पर महिलाओं को पर सालों तक अत्याचार चलता रहा, ये महिला मुख्यमंत्री कुछ नहीं करी, उनको शर्म आनी चाहिए। अभी टीएमसी कह रही है कि ये सब साजिश थी, षड्यंत्र था, टीएमसी कह रही है कि ये साजिश थी, षड्यंत्र था बीजेपी का। देखिए, टीएमसी की पैटर्न है, पहले जुर्म करो और फिर जुर्म को गलत साबित करने के लिए और जुर्म करो, वही पैटर्न पर जा रही है, मगर हाईकोर्ट, सीबीआई की जांच और जनता और महिलाएं, ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या? आसनसोल दो बार बीजेपी ने जीता, दुर्गापुर भी बीजेपी ने जीता, इस बार आपको क्या लगता है बंगाल में जो सीटें मिलेंगी उसमें मार्जिन बढ़ेगा? मार्जिन क्या बढ़ेगा आपको लगता है? निश्चित रूप से बढ़ेगा।